मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जो है जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपको बताते हैं उमंग एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप लोगों ने उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है उमंग ऐप को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों जो है आप जो कोरोना के लिए वैक्सीन लग रही है उस वैक्सीन के लिए आप चाहे 45 प्लस वाले हों या 18 से ऊपर वाले हों, आप उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से बहुत ही जल्द कर सकते हैं। उसको कैसे करना है आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, नीचे लिखा आ रहा है व्हाट्स मी, यहां पर ये कोविन करके लिखा आ रहा है, विनिंग ओवर कोविड-19, यहां आपको क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों यहां पर रजिस्टर और लॉगिन फॉर वैक्सीनेशन के लिए, जो कि प्रोसेस आपको शुरू में करनी है। और इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है आपके वैक्सीनेशन पूरे हो जाने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसे आप ऑनलाइन यहां पर स्टोर करके सेव कर सकते हैं। आप इसको जो है डिजी लॉकर में भी सेव कर सकते हैं। आइए दोस्तों प्रोसेस बताते हैं कैसे आप इसको पूरा करेंगे। हम रजिस्टर और लॉगिन फॉर वैक्सीनेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये इसने जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लिया है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारी पास डिवाइस में अभी एक ही सिम है। आप यहाँ मोबाइल नंबर अपना दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस OTP को डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे और सिर्फ इतना सा ही प्रोसेस आपको करना है और आप सक्सेसफुली यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। हम यहाँ डालते हैं, ये हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया है OTP को, और OTP को डालते ही दोस्तों देखिए ये यहाँ जानकारी आ गई है, क्योंकि मैंने अपने आप को यहाँ पहले से रजिस्टर्ड कर लिया है। मैं आपको यहाँ नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड मोर, ये करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये देखिए जैसे ही मैंने ऐड मोर पे किया तो आपको सिर्फ एक फ़ोटो ID प्रूफ देना है। ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से आप एक फ़ोटो ID प्रूफ देंगे। आप उस फोटो ID प्रूफ का यहाँ पर ID नंबर देंगे, इसके बाद आप नाम लिखेंगे, आपको नाम वही लिखना है जो आपके ID प्रूफ में दर्ज है। इसके बाद आप ईयर लिखेंगे कि किस साल आपका जन्म हुआ, इसके बाद आप जेंडर लिखेंगे और आप यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों इस तरीके से आपका नाम, जेंडर, फ़ोटो ID, ईयर ऑफ बर्थ, फ़ोटो ID नंबर यहाँ से आ जाएंगे और आपके डोज के जो स्टेटस हैं यहाँ लिखे आ रहे हैं। देखिए नॉट शेड्यूल, ये जो शेड्यूल नहीं किए गए हैं, यहाँ डोज का जो भी स्टेटस होता है वो दर्ज हो जाता है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब हमें यहाँ से अपॉइंटमेंट को जो है सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन में हमें मिलेगा वो हम यहाँ से अपॉइंट करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, दो ऑप्शंस के तहत आप यहाँ जा सकते हैं। आप जहाँ भी रह रहे हैं अगर आपको वहाँ का पिन कोड पता है तो आप पिन कोड पता कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पिन कोड डाल देते हैं, ये हमने पिन कोड डाल दिया है, और आप यहां से तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी तारीख को आप कराना चाहते हैं, और उस तारीख को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आप देख लें, ये इंस्ट्रक्शंस आपके ही काम के हैं, क्या क्या आपको फॉलो करना है। और ये लास्ट आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, योर सिक्योरिटी कोड इज़ द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर बेनिफिशियरी रेफरेंस ID। आपका जो सिक्योरिटी कोड होगा वो आगे के 4 डिजिट होंगे जो आपकी बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी बनने वाली है उसके। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों देखिए यहाँ लिखा आ गया है नो सेंटर्स आर अवेलेबल एट योर सिलेक्टेड लोकेशन। आपने जो लोकेशन सेलेक्ट की है वहाँ पर कोई भी सेंटर उपलब्ध नहीं है, तो अब आप यहाँ से फिर से जो है चेंज कर सकते हैं। ये आपने दूसरा पिन कोड डाल दिया है, आप यहाँ सर्च करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ भी लिखा आ गया है सिलेक्टेड इस पर अवेलेबल नहीं है। अब हम यहाँ कोई दूसरा डालकर देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डाला तो हमारे पास ये जो है कुछ अलग अलग आ गए हैं, 9 सेंटर्स आ गए हैं। ये आप सेंटर देख सकते हैं, आप एलिजिबल चेक कर सकते हैं कि किस सेंटर पर
किस उम्र के लोगों को जो है कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है और कितने स्लॉट जो है वहाँ पर खाली हैं। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है स्लॉट 10, स्लॉट 85, ये 45 के लिए, यहाँ 0, 18 के लिए देखिए अभी 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 18 के लिए अभी कम कुछ ऐसे वैक्सीनेशंस एक दिन में लगाए जा रहे हैं। इसलिए आपको अगर ये बुक करना है तो आप यहाँ व्यू स्लॉट पर जाएंगे। व्यू स्लॉट पर जाने के बाद अगर उस स्लॉट में जगह है तो आप यहाँ पर जो टाइम देख सकते हैं, ये आप टाइम जो भी टाइम सेलेक्ट करेंगे उस टाइम का यहाँ वेरिफिकेशन आएगा, सेंटर आएगा, डेट और टाइम आएगा, ये रेफरेंस आएगा और ये आपका सिक्योरिटी कोड के साथ जो सिक्योरिटी कोड रेफरेंस आईडी आया है ये आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्च बाय पिन के पास में एक ऑप्शन देख रहे होंगे, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो है पहले राज्य को सिलेक्ट करेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सर्च कर देंगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ये कोरोना की वैक्सीन लग रही है वहाँ का आपको इजीली यहाँ से ऑप्शन दिख जाएगा और आप इजीली यहाँ से स्लॉट को बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटा सा जो है गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है और आपको बहुत ही जल्द यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी पूरी हो जाएगी और आप जाकर जो है वैक्सीन आसानी से लगवा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और जिन जिन लोगों ने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगाई है आप उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।